हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीपी विप्र कॉलेज के पीजी कोर्सेज के बारे में। उसका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो उसका फॉर्म कैसे भरना है एंड साथ में देखेंगे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आज से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो बात करते हैं, डीपी विप्र कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पीजी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो पीजी एडमिशन का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022, और एडमिशन कैसे फॉर्म भरना है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड साथ में आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से पीजी कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड बाकी सारे कॉलेजेस की भी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उस पर भी ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड बाकी सारे कॉलेजेस की अगर आपको फीस स्ट्रक्चर और कोर्सेज के बारे में जानना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ में अटल यूनिवर्सिटी के UTD कोर्सेज हैं, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज चलाए जाते हैं PG के लिए भी, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देन एडमिशन होगा। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से PG कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है MA हिंदी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50 एंड फी स्ट्रक्चर यहाँ का अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को एडमिशन के टाइम पर ही पता चलेगा। देन है MA पॉलिटिकल साइंस, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA सोशियोलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA इकोनॉमिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA साइकोलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA हिस्ट्री, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA इंग्लिश, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MA लोक प्रशासन, जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, इसमें अवेलेबल सीटों की संख्या है 20। देन है MA जियोग्राफी, जिसमें अवेलेबल सीटों की संख्या है 90। देन है MCOM, अवेलेबल सीटों की संख्या है 50। देन है MSc मैथ्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है MSc फिजिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है MSc कंप्यूटर साइंस, अवेलेबल सीटों की संख्या है 25। देन है MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, अवेलेबल सीटों की संख्या है 40। देन है MSc केमिस्ट्री, अवेलेबल सीटों की संख्या है 40। देन है MSc इन बॉटनी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है MSc जूलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन है MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, अवेलेबल सीटों की संख्या है 30। देन अगर आप चाहते हैं यहाँ से डिप्लोमा कोर्स करना, तो यहाँ दो डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है PGDCA, अवेलेबल सीटों की संख्या 60। देन है PGDBM बिजनेस मैनेजमेंट, अवेलेबल सीटों की संख्या 30। तो आप इनमें से जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड बाकी सारे कॉलेजेस की भी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, तो उस पर भी ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड बाकी सारे कॉलेजेस की अगर आपको फीस स्ट्रक्चर और कोर्सेज के बारे में जानना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड साथ में अटल यूनिवर्सिटी के UTD कोर्सेज हैं, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज चलाए जाते हैं PG के लिए भी, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, देन एडमिशन होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको पसंद आई होगी तो आज से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्ले टाटा, बाय बाय।